नमस्कार किसान साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हेलो किसान पर। तो बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड हो रहा है, समय ही नहीं था और समय के साथ कंटेंट भी नहीं था और कुछ दिनों से स्वास्थ्य खराब था। तो मैंने जो आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं सोयाबीन की निकालेंगे वो वाली वीडियो कितनी निकली वो सब कुछ मैं वीडियो के हिसाब से बताऊँगा, पर वो वीडियो बना नहीं पाया हूँ। तो उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा मैं कि कौन सी वैरायटी किस कंडीशन में निकली है और किसने कितना उत्पादन दिया है। तो फिलहाल तो अभी हम लहसुन की बुआई कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आज दिखाई दूं आपको, वीडियो के माध्यम से बता दूं। ये चल रहा है ट्रैक्टर सौराज 744, ये कानू घूम रहा है, कानू से भी बात करी है तो वीडियो के आखिरी में कानू की बातचीत भी आपको सुनने को मिलेगी कि इसको क्या समझ में आया और इसका क्या गणित है। तो फिलहाल मैं दिखाता हूँ आपको लहसुन की सीड्रिल। तो ये गौरव वाली है, जो पिछले साल का आपने अगर वीडियो देखा होगा हमारा, उससे टेक्निकल थोड़ा सा अलग है। ये पुराना मॉडल है, वो नया मॉडल था, तो इसका भी मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो, फिर आगे की बातचीत करते हैं। अजीम साहब आ गए हैं, बताओ अजीम साहब कैसे, क्या एक नंबर मामला है? कौन सी वाली बिखर रही है? वो जो गियर वाली होती है, जो कायथा की। अच्छा, इक्यूरेट डलती है। और चीजें देखने आया था मैं यार, चम्मच तो देखने को मिला यार, चेन पे डालती है, बढ़िया। अपन जितनी चाहो उतनी डाल सकते हैं इसमें, गियर वाला सिस्टम है। अच्छा, सिस्टम बढ़िया है, गियर खा इनका वो चम्मच का ही भाई। तो ये लगातार दूसरा साल है अपना इस वाली सीड्रिल से बुवाई करने का, और मतलब कली सब अंदर है दबी हुई, बाहर कोई भी नहीं दिख रही। ये खासियत है कि वो दिख नहीं रही, उसने दिखा क्या, बिल्कुल अपने को दिखा सफेद पट्टी में दिख रही जैसे ऊपर से अपन ने वो कहते हैं फूंकते हैं। हाँ, फूंकते हैं वो, उसकी वो नहीं है, इसमें मालूम नहीं पड़ रही उसमें क्या बोया आपने। बिल्कुल, मतलब जो इंसान मजदूर जो चोपते हैं वो वाली चौपाई है, सेम टू सेम है ना। वो ओपन का काम नहीं है, बिखरी हुई पड़ी है कि वो वेस्टर्न, मतलब वेस्टर्न माल को जाने का नहीं है, क्योंकि अपन जैसे पानी इसमें छोड़ते हैं तो वो क्या कैसे ऊपर तिर जाती है। हाँ। तो तिरने के बाद में क्या हो, वो सब सारी मतलब कोई काम ही नहीं आती है, काम नहीं आती, उसमें मजदूरी अपनी बढ़ जाती है, उसमें फिर अपने को उसको वापस गाड़ना पड़ता है, अपने को डबल मतलब अंदर घूमना पड़ता है और उसको छोपनी पड़ती है, लेकिन वो इसमें नहीं है। तो ये टेक्निकल है, बढ़िया। एक्यूरेट मतलब इसमें अपन वो भी कर सकते हैं इसमें कि यार अपन ने क्या बोया है इसमें, कि लहसुन बोई और कुछ बोया है कि। हाँ, कोई बता नहीं सकता, बता नहीं सकता इसमें क्या बोया है। ये चीज बढ़िया है, बढ़िया। तो किसान मतलब ये वाले सीड्रिल से बुआई कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, जोरदार काम है, बढ़िया, एक नंबर काम है, जोरदार काम है। इसमें अपने को ये फायदा है कि अपने को माल जो है सब अंदर ही जाए, विस्टर माल कुछ भी बाहर नहीं निकल रहा, कुछ भी बाहर नहीं निकल रहा, ये फायदे वाली बात है, बढ़िया चीज़ है। हालांकि बढ़िया काम है इसका, किसानों को अधिकतर से बुआई करानी चाहिए, टेक्निकल खेती की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी मजदूरी की कीमत बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि लागत नहीं निकल पा सकती है। उसमें क्या कि अपने को बहुत ही जो खेत जो मालिक रहता है उसमें बहुत ही मेंटेनेंस के उसका बिगड़ जाता है, तो इसी चीज़ों में इन चीज़ों इस्तेमाल करने से क्या कि बहुत ही सारे मतलब अपने को फ़ायदा मिलता है, इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है, ज़्यादा फायदा मिलता है। देखा जाए तो किसानों को इस चीज़ में गौर करना चाहिए और टेक्निकल नई नई चीज़ों में उपयोग करना चाहिए, ठीक है। धन्यवाद साहब, आपने जानकारी दी किसानों को। ये मामला है, ये दशरथ भैया हमारे बिल्कुल शांति से ट्रैक्टर चला रहे हैं, गौरव इंजीनियरिंग जहांगीरपुर। बिल्कुल सिस्टमेटिक बोनी लहसुन की,
तो ये चलती है सीडिल ये वाले गियर के ऊपर। अगर आपको चाल कम ज़्यादा करना हो तो ये जो गियर चल रहे हैं ये चेन इधर उधर खिसका के आप चाल कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये ऐसे चेन घूमती है इसकी और ये इस प्रकार से। तो ये थी लहसुन की बुवाई का वीडियो, आगे आप कानू की बातचीत सुनेंगे इस वीडियो में। और ये लहसुन हम बो रहे हैं डालर, पिछले साल भी लगाई थी, अच्छी वेराइटी है और इस बार भी लगा रहे हैं। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बीज उपचार करके बो रहे हैं। तो सभी किसान साथी अगर कोई भी सी फसल लगाते हैं तो उसका बीज उपचार करें, अवश्य करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी बीज उपचार करना। इसके साथ ही मैं एक और जानकारी दे दूँ कि इसमें हमने 6 बोरी सुपर खाद डाला है, उसके बाद इसमें रोटावेटर करा है, खाद डालने के बाद रोटावेटर करा है, उसके बाद फिर ये लहसुन की बुवाई हो रही है। नमी भी अभी तक नमी ज़मीन की ख़त्म हुई नहीं है, तो इसके लिए आपको इसमें बीज उपचार करना ज़रूरी है क्योंकि इसमें फंगस वगैरह लगने के चांस रहते हैं। तो ये था आज का वीडियो, सीडिल कैसी लगी, आपके इधर क्षेत्र में कौन सी सीडिल चलती है, अभी कौन सी फसल लगा रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को जितने किसानों को शेयर करें। तो आगे बहुत जल्द मिलते हैं अगले नए किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। ये हमारे छोटे सेठ श्री निरीक्षण पे आए हैं, बताओ क्या कर रहे हो? लसन। लसन बो रहे हैं? अरे मेरे ऊपर गिर जाएंगे दोनों। तो गिर रहा है। ले बता कानू, तो कैसा लग रहा है देखो यहाँ? अच्छा लग रहा है। कैसे चल रही है सीड्रिल? अच्छी चल रही है। लहसुन कैसे आती है इसमें ऊपर उठ के? चेन में से। फिर कहाँ गिरती है? पाइप में। पाइप में से खेत में। तो ठीक है, बोनी अच्छी हो रही है ना, आ गया समझ में? बता। तो अभी सब सबको बोल दे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बोल दे कि मेरे मामा के चैनल को सब्सक्राइब करें। बोले ना? नहीं बोलेगा क्यों? अच्छा पानी पिलाना आएगा फिर यहाँ खेत पे? आएगा लहसुन को पानी पिलाना आएगा? चलो।